दोस्तों, चेक बाउंस का केस बहुत आसान है फाइल कर देना। कंप्लेनेंट कोर्ट में खड़ा हो जाता है, प्रिजम्पशन उसके फेवर में है, आरोपी एक असहाय व्यक्ति की तरह कोर्ट में होता है। सेक्शन 118 और 139 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ये दो महत्वपूर्ण सेक्शन हैं दोस्तों, जिसके तहत कंप्लेनेंट के पक्ष में प्रिजम्पशन है कि उसे ये चेक आरोपी ने अपने कर्ज को उतारने के लिए दिए हैं। कंप्लेनेंट को पूरा भरोसा होता है कि मेरे फेवर में, मेरे पक्ष में, चूंकि सेक्शन का प्रिजम्पशन है, इसलिए मैं तो केस जीत गया, मुझे बहुत कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कंप्लेनेंट बड़ी आसानी से कोर्ट में खड़ा हो जाता है दोस्तों कि मैंने 10 लाख रुपए दिए थे और वो कैश में दिए थे और इन्होंने उस पैसे को वापस करते हुए ये चेक दिया और ये चेक बाउंस हो गया। अपनी इस छोटी सी स्टोरी के साथ वो कोर्ट में खड़ा होता है कि प्रिजम्पशन मेरे फेवर में है। आपराधिक न्याय व्यवस्था का एक मौलिक सिद्धांत है दोस्तों कि आरोपी तब तक निर्दोष है जब तक उसे दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाता, उसे कन्विक्ट नहीं करार दे दिया जाता। एक बड़ा प्रश्न है दोस्तों कि क्या चेक बाउंस में ये सिद्धांत काम नहीं करेंगे? इंद्र पी दलाल और प्रतिंद्र नाथ बनर्जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला हुआ है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी वो निर्दोष है जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाता, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये मौलिक सिद्धांत खत्म नहीं होता। दोस्तों, कंप्लेनेंट का प्रिजम्पशन खत्म हो जाता है अगर आरोपी अपनी तरफ से कुछ चीजों को कोर्ट के सामने, अपनी स्टोरी को लाता है, डिफेंस स्टोरी कहते हैं उसे, कि इस केस में क्या है, क्यों ये चेक उसके पास चला गया और उसने मेरे साथ कैसे धोखा किया है, कैसे गलत किया है। इन तथ्यों को लेकर अगर आरोपी कोर्ट के सामने आता है तो प्रिजम्पशन खत्म हो जाते हैं दोस्तों। रूल ऑफ प्रिजम्पशन एविडेंस का रूल है, वहीं इनोसेंस ऑफ प्रिजम्पशन मतलब वो तब तक निर्दोष है जब तक दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, ये प्रिजम्पशन इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक अभिन्न अंग है, इसे नहीं हटाया जा सकता। इसलिए आरोपी को प्रोबेबिलिटीज लानी होती है, संभावनाएं क्या हैं, उन संभावनाओं की प्राथमिकता के आधार पे वो अपना केस सिद्ध कर सकता है। किसी के पास कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स या कागज नहीं होते कोर्ट में लाने के लिए, तो आरोपी क्या वो केस हार जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। आरोपी को दूसरी पार्टी के जो कागज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके जो बयान हैं कोर्ट में, उनको गलत साबित करना होगा, उनमें कंट्राडिक्शन, उनमें विरोधाभास दिखाने की जरूरत है, तब भी प्रिजम्पशन जो है 118 और 139 सेक्शन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत जो प्रिजम्पशन है वो खत्म हो जाता है अगर उनके तथ्यों में आपने कुछ गलतियां दिखाई हैं। आरोपी के संभावित डिफेंस से प्रिजम्पशन खत्म हो जाता है दोस्तों। इसको बोलते हैं, फिर से जिम्मेवारी आ जाती है कंप्लेनेंट के ऊपर कि वो अपने केस को प्रूफ करे, और कंप्लेनेंट को प्रूफ करने के लिए उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, एक संदेह भी नहीं होना चाहिए, अपने केस को इस तरीके से प्रूफ करना है। वहीं आरोपी को अपने केस में संभावनाएं लानी है कि यह संभव है, जिस परिस्थिति में यह बात कर रहा है, इसके साथ मेरी रिलेशन अच्छे नहीं थे, मैंने थाने में इसके खिलाफ कंप्लेंट की हुई है, लड़ाई झगड़े का केस है, तो संभावना यह है कि यह मुझे किसी दोस्ती में यह पैसे नहीं दे सकता, यह है संभावना दोस्तों। इसी को कहते हैं प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, संभावनाओं की प्रधानता। संभावनाएं अगर ज्यादा हैं तो कोर्ट को आरोपी के इन संभावनाओं को देखना होगा। इस 38 के केस को जब कोर्ट निर्धारित करती है दोस्तों, तो पार्टी के व्यवहार को देखा जाता है, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, क्या एक समझदार इंसान ऐसी परिस्थिति में ऐसा रिएक्शन देगा, ऐसे काम करेगा, क्या ये पैसे दिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं, ये समझौता हो सकता है। इतना बड़ा अमाउंट है, सपोज 10 लाख का अमाउंट है, तो आपने कोई रसीद क्यों नहीं लिया? एक समझदार व्यक्ति कोई रिसिप्ट लेगा, कोई एग्रीमेंट बनाएगा इतने बड़े पैसे के लिए, आपने ये पैसे दे दिए और सिर्फ आपके पास ये चेक है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं दोस्तों कि एक समझदार व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करेगा, इन चीजों पे भी कोर्ट का निर्णय आधारित होता है।
रिंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, आप इनोसेंट हो, दो प्रिजम्पशन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, एक वो प्रिजम्पशन जो एनआई एक्ट कहता है कि चेक होल्डर के पास अगर चेक है तो ये माना जाएगा कि ये चेक दूसरी पार्टी ने अपने किसी कर्जदारी को निपटाने के लिए, पैसे वापस करने के लिए ये चेक दिए हैं, ये प्रिज्यूम मान लिया जाएगा। अब इसको वापस गलत साबित करना आरोपी का काम है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे प्रिजम्पशन की बात की है, वो है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब मैं निर्दोष हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनोसेंट होने का प्रिजम्पशन केस के कन्विक्शन तक, उसे सजा जब तक नहीं हो जाती तब तक बना रहता है, और ये ह्यूमन राइट भी है। ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन ये अंतरराष्ट्रीय उद्घोषणा है दोस्तों, जिसका पार्ट है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, जब तक मैं दोषी सिद्ध नहीं हो जाता मैं निर्दोष हूं। दोस्तों ये बना रहता है 138 में भी। बहुत लोग और बहुत सेक्शंस के बीच ये कंफ्यूजन है कि प्रिजम्पशन जो चेक होल्डर के फेवर में 118 और 139 सेक्शन के तहत एनआई एक्ट में है, तो मैं अब निर्दोष नहीं हूं। मैं निर्दोष हूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं, जब तक मैं दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी के साथ इस 118 और 139 के प्रिजम्पशन के तहत चेक बाउंस के केस में अन्याय ना कर दिया जाए, मतलब आरोपी को सिर्फ इसलिए गलत सजा ना सुना दी जाए कि प्रिजम्पशन कंप्लेनेंट के पक्ष में है, यानी आरोपी को भी एक इनोसेंट, एक निर्दोष की तरह माना जाए और कोर्ट अपने जजमेंट को पास करते हुए सारे तथ्यों को देखे। दोनों पार्टी के व्यवहार को देखना बहुत जरूरी है। एक प्रूडेंट मैन, एक समझदार आदमी, जिस परिस्थिति में ये चेक दिए गए, पैसे दिए गए, पैसे की वापसी हुई, एक समझदार आदमी कैसे व्यवहार करेगा, इसे देखना भी कोर्ट की जिम्मेवारी है दोस्तों, तभी एक सही निर्णय पर कोर्ट आ सकती है।